दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। महू विधानसभा सुश्री उषा ठाकुर को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम किए हैं, काम करेंगे। महू विधानसभा में ऐतिहासिक मतों से विजय होने पर हमारी बहन सुश्री उषा ठाकुर को विजय होने पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बधाईकर्ता सुभाष महोदय, जिला उपाध्यक्ष भाजपा मानपुर। राजस्थान में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कन्या सेना ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसी को लेकर आज सर्व समाज राजगढ़ द्वारा आज SDM के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दिनांक 5/12/2023 मंगलवार के दिन श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामणि के निवास स्थान श्यामनगर जयपुर राजस्थान में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर से देश भर की कन्या सेना के कार्यकर्ताओं में रोष है। बुधवार को पुराना बस स्टैंड राजगढ़ पर कन्या सेना ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोककर चक्का जाम भी किया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग उपस्थित थे। आपके द्वारा आंदोलन किया गया था, क्या प्रॉब्लम? आज हमारे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया। जो हमारे मार्गदर्शक और जो है हमारे समाज के जो है प्रमुख सुखदेव जी गोगामणि दादा, उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई जो है, तो उनका हम जो है उस उन हत्यारों की जो है फांसी की मांग करते हैं। और हम जो है सरकार से और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे जो समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ फिर अगली बार ऐसी घटना न घटे, जिससे उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे जो है दादा सुखदेव जी गोगामणि ने भी सुरक्षा मांगी थी, पर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं हुई और उनके साथ इस प्रकार की घटना घट गई। तो जो है हमारे समाज के जो प्रमुख है उनको सुरक्षा दी जाए और जो है हम इसका जो है विरोध प्रदर्शन के लिए हमने आज जो है आंदोलन किया।